हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के कंप्लीट सिलेबस फॉर 2021-22 के लिए बताने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो को देखिएगा तो आपको क्लास 11th के टर्म फर्स्ट में, टर्म सेकंड में क्या क्या पढ़ना है, कितना टर्म फर्स्ट में पढ़ना है और कितना टर्म सेकंड में पढ़ना है, इसके बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगा। उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना होगा। क्लास 12th की तरह क्लास 11th का भी पेपर टर्म वाइज होगा, जिसमें सबसे पहला टर्म आपका MCQs बेस्ड होगा, ठीक है ना, जो 90 मिनट का होगा और 40 मार्क्स का होगा। अब चैप्टर वाइज इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है मैं आपको वो डिटेल से पढ़ाऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अपने कोर्स के बारे में कम्प्लीटली डिटेल से पता चल सके। ये ना हो कि जो नहीं आना है वो भी उस साल पढ़ लें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट ए, पार्ट ए में आपका जो आना है यूनिट फर्स्ट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है, यूनिट फर्स्ट इसका नेम देखा है। और इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट के दो चैप्टर आपके लिए रखे गए हैं। और यूनिट सेकेंड में है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको आप BRS के नाम से जानते हैं, BRS। और तीसरा है डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ये चैप्टर है। बाकी चैप्टर आपके टर्म सेकेंड के लिए रखा गया है। और टर्म फर्स्ट का जो पेपर है कितने मार्क्स का होना है, 40 मार्क्स का है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट का है 12 मार्क्स और सेकेंड यूनिट का है 28 मार्क्स। अब फर्स्ट यूनिट के चैप्टरों में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सेकेंड यूनिट के चैप्टरों में कौन कौन से टॉपिक है, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट की। यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में ये फुल्ली थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, थ्योरी के बारे में है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। जो मैं मार्क कर रहा हूँ वही आपको पढ़ना है इस साल। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, एडवांस एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग्स, टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर्स टू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, ठीक है ना, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको जो सेकेंड में पढ़ना है वो क्या क्या है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो बेसिक अकाउंटिंग आपके पास अगर डीके गोयल है तो डीके गोयल में सेकेंड चैप्टर में दे रखा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है, कौन कौन से टर्म्स हैं। तो लगभग सारे टर्म इसमें पढ़ना है, जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया, कैपिटल किसे कहते हैं, ड्राइंग क्या होता है, लाइबिलिटीज और उसके टाइप्स, एसेट्स उसके टाइप्स, फिक्स एसेट्स उसके टाइप्स, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर के टाइप, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, इनकम क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, गेन किसे कहते हैं, व्हाट इज लॉस, परचेज क्या, सेल्स, गुड्स, स्टॉक, डेप्टस, क्रेडिटस, वाउचर क्या होता है, डिस्काउंट किसे कहते हैं, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में क्या डिफरेंस है, इन टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। और आई थिंक इतना आपने अब तक पढ़ लिया होगा, जिन्होंने पढ़ लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा ये टॉपिक नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसकी तैयार आप कीजिए, क्योंकि MCQs वैसे आई थिंक इसमें से MCQs काफ़ी अच्छे हद तक बन जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको और क्या क्या पढ़ना है, अब हम बात करते हैं, अब वो तो थ्योरी बेस हो गया, अब आपके न्यूमेरिकल्स में यानी कि प्रैक्टिकल में क्या क्या पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर किया जाता है, स्पेशल परचेज बुक कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैश बुक का प्रिपरेशन, जिसमें सिंपल कैश बुक हो गया, विद बैथ कॉलम एंड पेटी कैश बुक हो गया, ठीक है ना, यानी कि सिंपल कैश बुक भी है और डबल कॉलम कैश बुक भी है। परचेज बुक कैसे बनाया जाता है, सेल्स बुक कैसे तैयार किया जाता है, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक कैसे तैयार किया जाता है, ये नॉर्मल बुक्स है जो सबसे पहले अकाउंटिंग में आप सीखते हैं। उसके बाद लेजर दिया गया, लेजर कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट, लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है, ठीक है ना, जर्नल के थ्रू और सब्सिडी बुक के थ्रू, और उसकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है लेजर की, वो आपको पढ़ना है। ध्यान में ये रखना है कि आपके इसमें GST इंक्लूड है, ठीक है ना, आप सब में क्या है, GST इंक्लूड है, GST को आप साथ में लेकर चलेंगे, GST को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जर्नल एंट्री विदाउट GST आपकी आपसे नहीं है। उसके बाद आपका दे रखा है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS वाले चैप्टर से, BRS में
इसकी नीड और उसको किस तरह से तैयार किया जाता है उसके फॉर्मेट के साथ पूरा कंप्लीट पढ़ना है आपको BRS, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन प्रोविजन और रिजर्व की। डेप्रिसिएशन में अगर थ्योरी की बात करें, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन के फीचर, इसके कॉजेस क्यों होता है और इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके अलावा अदर सिवाय डेप्रिसिएशन और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है, एमोर्टाइजेशन में और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है वो पढ़ना है। साथ ही साथ आपको पढ़ना है डेप्रिसिएशन को प्रिपरेशन, डेप्रिसिएशन के अकाउंट कैसे बनाया जाता है, दोनों मेथड दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी है और रिटर्न वैल्यू मेथड भी है, दोनों मेथड के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको एक ही ईयर में अगर कहीं दे रखा है मेथड चेंज होता है, पहले साल स्ट्रेट लाइन फिर जो है रिटर्न डाउन, ऐसा नहीं है, केवल दोनों को सिंपल मेथड में पढ़ना है, ठीक है ना। और उसके अलावा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना, ये पढ़ना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपको पढ़ना है, चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट किस तरह से, और क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं प्रोविजन और रिजर्व में, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, और रिजर्व कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ना है, जैसे रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व किसे कहते हैं, जनरल रिजर्व क्या होता है, स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, ये आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं इसमें थोड़ा सा और रह गया है, सीक्रेट रिजर्व क्या होता है ये भी दे रखा आपके कोर्स में है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इतना आपका केस में आ गया, टर्म फर्स्ट में आ गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ टर्म सेकेंड के कोर्स के बारे में। टर्म सेकेंड का जो सिलेबस है ये 40 मार्क्स का होगा और ये पूर्णली सब्जेक्टिव होगा, लॉन्ग होगा, 2 घंटे का होगा, जिसमें आपके रखा गया है यूनिट सेकेंड, यूनिट पार्ट बी का यूनिट 3 एंड यूनिट 4 कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ठीक है ना। ये आपका 8 मार्क्स का होगा। क्या क्या पढ़ना है इसमें, आपको पढ़ना है इसमें अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में पढ़ना है फाइनल स्टेटमेंट फॉर सोल प्रोवाइडरशिप एंड कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी पढ़ना है। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग भी आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये हो गया 40 मार्क्स का, 20 मार्क्स का ये हो गया यूनिट 3 से और 12 मार्क्स का हो गया यूनिट सेकेंड से। चलिए आप इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं कि दोनों में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग पर बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर से, जिसमें आपको पढ़ना है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के डेफिनेशन, इसका स्पेसिमेन के बारे में कैसे बनता है, फीचर एंड पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, फिर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में और प्रोमिसरी नोट्स के बीच में डिफरेंस के बारे में पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है बिल ऑफ एक्सचेंज की जो टर्म्स होते हैं कौन कौन से हैं, टर्म्स में क्या क्या दे रखा है, टर्म ऑफ बिल, बिल की टर्म होता है, एकोमोडेशन ऑफ बिल, डेज ऑफ ग्रेस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, इसकी एंट्री किसे की जाती है, इंडोर्समेंट ऑफ बिल की एंट्री कैसे करते हैं, ये सब की एंट्री आपको यहाँ पर जनरल एंट्री समझनी पड़ेगी, क्या होता है और किस तरह से इसको ट्रीटमेंट किया जाता है, बिल आफ्टर ड्यू और डेट, नेगोशिएशन कैसे होता है, ठीक है ना। पिछले साल नेगोशिएशन हटा दिया गया था, इस साल है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, डिसऑनर ऑफ बिल, और लास्ट में सबका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है ना, मीनिंग के साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरा पढ़ना है आपको। ध्यान में रखना एक्सक्लूडिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन बिल का ट्रीटमेंट नहीं है, हटा दिया गया है। उसके बाद जो चैप्टर है वो है ट्रायल बैलेंस का और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। चलिए हम ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। ट्रायल बैलेंस में इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है आपको ये पढ़ना है, किससे, ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर से, ठीक है ना, ओनली बैलेंस मेथड से, ठीक है ना, टोटल मेथड वाला नहीं है। उसके बाद एरर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, रेक्टिफिकेशन वाले एरर्स क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, कंपनसेटिंग देयर इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस पर क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में थ्योरी। अब उसको किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है, उसको किस तरीके से रेक्टिफिकेशन किया जाता है, और सस्पेंस अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, यानी कि ये हो गया आपका एंट्री बेस, जनरल एंट्री कैसे की जाती है। अब हम बात करेंगे पार्ट बी जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जहाँ पर आपको बड़े बड़े अकाउंट बनाते, फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं, तो इसमें क्या क्या वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग क्या होती है, इसका ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस क्या क्या है, रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होता है, रेवेन्यू ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे क्या होता है, और डिफर्ड कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है।
अब हम बात करें अगर अकाउंट की, तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाए ये पूरा पढ़ना है, जिसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करना सीखना है और उसको किस तरह से तैयार किया जाता है वो सीखना है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट एक फाइनल अकाउंट है वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, वो बैलेंस शीट की जरूरत क्या होती है, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे होता है, और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट फॉर्मेट वगैरह के साथ। अब इन सबको बनाने के लिए इसमें आते हैं कुछ एडजस्टमेंट, ठीक है ना, एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और एडजस्टमेंट में कौन कौन से एडजस्टमेंट दिए हो सकते हैं वो देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स, एबनॉर्मल लॉस, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, स्टाफ वेलफेयर दैट इज ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर्स कमीशन। इतने एडजस्टमेंट इस साल आपके जो है फाइनल अकाउंट के साथ करने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ सोल प्रोपर्टीशिप भी दे रखा है, ठीक है ना। सोल प्रोपर्टीशिप में किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है एडजस्टमेंट के साथ आपको पढ़ना है। लास्ट में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसमें इसका फीचर है, रीजन है और लिमिटेशंस भी है, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड के थ्रू किस तरह से तैयार किया जाता है ये पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में आपको पढ़ना है कंप्यूटर अकाउंटिंग के बारे में, और कंप्यूटर अकाउंटिंग के बारे में जो पढ़ना है वो क्या क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एलिमेंट्स क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या है कंप्यूटर सिस्टम के, ये पढ़ना है। इसके अलावा इसके स्कोप के बारे में पढ़ना होगा, स्कोप क्या क्या है। द स्कोप ऑफ यूनिट इज टू बी अंडरस्टैंड अकाउंटिंग एज द इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपरेशन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, ठीक है ना। ये जो आपको पढ़ रहे हैं सबके स्कोप के बारे में दे रखा है, ठीक है ना। इट्स प्रिज्यूम्ड दैट द वर्किंग नॉलेज ऑफ एनी एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज बी गिवन अकाउंट स्टूडेंट टू हेल्प द अकाउंटिंग ऑपरेशन ऑन कंप्यूटर। इसके साथ साथ कंप्यूटर में किस तरीके से अकाउंटिंग को करेंगे इन सबका डिटेल से आपको पढ़ना होगा। फिर लास्ट में दे रखा है प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क के बारे में आपके टीचर आपको बेटर बता सकते हैं किस तरीके से प्रोजेक्ट वर्क आपको प्रिपेयर करना है। फिलहाल कोर्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए क्लास 11 के, जो इस साल क्लास 11 में अकाउंट लेके पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू।